मेरा नाम मोहित शर्मा एंड वेलकम टू नोबल टेक एजुकेशन। सो आज का टॉप आज से हम अपने नया सेक्शन स्टार्ट होगा एमएस वर्ड। प्रीवियस पहले हमारा जो सेक्शन था वो हमारा वर्ड पैड सेक्शन था, अब हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड देखते हैं कि पहले सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। हम ओपन करने के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा आते हैं, यहाँ पर आपको वर्ड मिल जाएगा। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे वर्ड इंडिकेट हो भी रहा है, ये हमारा एम एस वर्ड। इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। कुछ हमारा इस तरीके से व्यू ओपन होगा, हम इसको पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हमें ये हमारे देखिए स्टार्टिंग में आपको टेम्पलेट शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें अभी टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं है, हमें ब्लैंक टेम्पलेट में ही काम करना है कि हमें खुद का वर्ड करना है। ये हमारा इस तरीके से हमारा एम एस वर्ड का जो हमारा व्यू है हमें शो होता है। आज हम इसके बारे में पहले बात बात करते हैं। पार्ट्स होते हैं हमारे, फर्स्ट होता है हमारा मिनिमाइज बटन। जैसे आपने वर्ड पैड में भी आपके पास ये था ऑप्शन था हमारा, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारे टास्क बार में हमें इंडिकेट होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टास्क बार में हमें इंडिकेट हो रहा है हमारी तीन फाइल खुली हुई है, हमने वाली फाइल ओपन कर ली अपनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्टोर डाउन। इससे क्या होता है, विंडो का साइज कम हो जाता है। जैसे आपने वर्ड पैड में किया था, ठीक है, इसका विंडो का साइज कितना छोटा हो गया है, मुझे वापस फुल स्क्रीन करना है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैक्सिमम पे जाऊंगा, ये हमारा मैक्सिमम बटन भी होता है, इसको क्लिक करते हैं तो मैक्सिमम फुल स्क्रीन। नेक्स्ट ये आता है क्लोज बटन। अब आपको इसको क्लोज करना है, आप इसे सिंपली यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। फिर बाकी क्या पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल देखिए हमें यहाँ इंडिकेट हो रहा है डॉक्यूमेंट वर्ड नाम से, हमारा डॉक्यूमेंट वन के नाम से हमारा हमें हमारा टाइटल है वो हमें इंडिकेट हो रहा है। फिर इसके बाद आगे होते हैं हमारे ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर हम कोई भी कमांड्स को ऐड कर सकते हैं जिस कमांड की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम गए, हमने कोई ओपन कमांड ऐड करा ली और मुझे कोई फाइल ओपन करनी है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, ठीक है, और मेरा काम खत्म हो गया, मुझे कोई पहली वाली फाइल पे काम करना है तो मैं फाइल में जाऊँगा या ओपन करूँगा यहाँ से यही या फिर वापस होम पे आते हैं अपने। हाँ वापस आते हैं या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कमांड ऐड करी है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ भी होती है। क्विक एक्सेस टूल बार का ये यूज होता है कि आपका कम से कम टाइम, आई रिपीट अगेन, कम से कम टाइम में आपको जो भी कमांड्स का यूज करना है वो आप क्विक एक्सेस टूल बार में जाके ऐड करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कमांड ऐड कराई तो ओपन डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अपने जो कमांड ऐड करा रखी है हटा रिमूव करना, तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करा रिमूव फ्रॉम एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार आपको इंडिकेट हो रहा है, क्लिक किया देन आपको यहाँ पे देखिए वो कमांड हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर आगे फाइल टैप क्या होता है। फाइल टैप हमारा देखिए इसी होता है, यहाँ पे जैसे टैप हमें शो रहे हैं इसे हम फाइल टैप कहते हैं। इसको अगर हम ओपन करते हैं क्लिक करके तो देखो इसके अंदर कमांड्स हमें शो हो रही है, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और भी बहुत सारी हमें यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है, देखिए, ठीक है। या तो फिर डायरेक्टली ओपन कर लीजिए या इसकी एक शॉर्टकट की होती है, उस वो होती है ऑल्ट प्लस ऑल्ट प्लस एफ, ये भी इसकी एक शॉर्टकट की होती है जिसके जरिए आप इसको फाइल टैप को ओपन कर सकते हैं या आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए हमारे टैब्स होते हैं, इनको टैब कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट देखिए हमारे टैब है और इसकी रिबन बार इंडिकेट हो रहा है, ये हमारा पूरा एरिया रिबन बार कहा जाता है। जैसे हमारा होम का अलग रिबन बार शो हो रहा है, हमारा इंसर्ट का अलग रिबन बार शो हो रहा है और डिजाइन का अलग रिबन बार शो हो रहा है, इसको हम रिबन बार कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे होता है कि टेक्स्ट एरिया क्या है। टेक्स्ट एरिया होता है जहां पर भी आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप के लिए आपका आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, आपको इंडिकेट हो रहा है डेस्कटॉप पे, ये हमारा टेक्स्ट एरिया हो गया। फिर इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, इंसर्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसर्शन पॉइंट नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जूम करके, हमने इसे जूम कर लिया, ये जो कर्सर दिख रहा है आपको ये हमारा इंसर्शन पॉइंट है। अगर ये नहीं होगा तो हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, ना हम कुछ राइट डाउन कर सकते। जैसे मैंने कुछ हमें को राइट डाउन करना है तो यहाँ पे मैं इंसर्शन पॉइंट होगा जब ही हम लिख पाएंगे। माउस पॉइंटर क्या होता है, माउस पॉइंटर आपको यहाँ पे इंडिकेट भी हो रहा है, ये हमारा माउस पॉइंटर है, एरो जो है जहाँ भी हम माउस को मूव करेंगे वहीं पर हमारा ये माउस पॉइंटर भी मूव होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम जूम आउट कर लेते हैं पहले ऐसा थोड़ा से,
ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, जो भी हमारे पार्ट्स हैं और पार्ट्स के बारे में बातें करते हैं। ये हमारा रूलर, इसे हम रूलर कहते हैं या हम इसे स्केल भी कह सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टली रूलर या वर्टिकली रूलर, जो आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ये हमारे रूलर्स होते हैं। ओके, फिर आते हैं व्यूज कौन कौन से होते हैं। इसमें व्यूज भी देखिए बहुत सारे होते हैं, थ्री टाइप्स के व्यूज आपको इंडिकेट हो रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट आता है हमारा रीड बोर्ड, जिससे आप इसलिए पढ़ सकते हैं, फुल स्क्रीन में शो हो रहा है, देन आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। मैं अगर इसमें टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो टाइप नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये रीड मोड में है। नेक्स्ट आता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट फॉर्मेट में ही ओपन होता है। जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे 2016 को, तो आपका प्रिंट लेआउट फॉर्मेट में ही आपका आपका सॉफ्टवेयर हमेशा ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर और वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है? वेब लेआउट होता है जैसे हमने कुछ भी टाइप किया, मैं अब कोई भी की अगर प्रेस करके रखता हूँ यहाँ पे, उससे क्या होगा, वो कंटिन्यूसली टाइप होगा और नेक्स्ट टाइम पे नहीं आएगा पूरी, इसे ये होता है हमारा वेब लेआउट। देखिए इसमें कंटिन्यूसली टाइप हो रहा है, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा है, ये हमारा वेब लेआउट होता है। चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रॉल से प्रिंट लेआउट में वापस आते हैं तो हमें देखिए यहाँ पे इंडिकेट भी हो रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे होते हैं हमारे ये, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्क्रॉल बार, जिसके जरिए आप पेज को अप डाउन मूव कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक से आप इसको अप डाउन मूव कर सकते हैं। इसलिए स्क्रॉल एरो, जिससे आप स्क्रॉल को अप डाउन मूव कर सकते हैं, एंड स्क्रॉल बॉक्स होता है जिसके अंदर स्क्रॉल बार है हमारा। ओके, फिर आगे आता है स्टेटस बार, कि स्टेटस बार है क्या चीज़। स्टेटस बार होता है जहाँ पर भी आपको आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस पता लग रहा है, या इन शॉर्ट कहा जाए आपको उसकी जानकारी मिल रही है कि क्या क्या काम आपने कर रखे हैं, वो हमारा स्टेटस बार में काउंट होता है। स्टेटस बार हमारे यहाँ पर है, देखो जैसे आपको इंडिकेट हो रहा है कि हमने दो वर्ड्स टाइप कर रखे हैं, कितने पेज है हमारे, कौन सी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ आपको इंडिकेट कर रहा है हमारा स्टेटस बार, ठीक है। ये हमारा स्टेटस बार होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे भी इसके अंदर और भी बहुत पार्ट्स होते हैं हमारे, वो उनके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि सेव और स्टेटस में क्या होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम जो हमने वर्डपैड की वीडियो हमने बनाई थी, उसमें भी हमने सेव और सेवस का सेव और सेवस को अच्छे से क्लियर किया था कि सेव और सेवस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेव क्या होता है, जैसे हमने कोई भी मैंने काम किया, मैंने कंट्रोल एस करके इसको अब मैं सेव कर रहा होता है, मेरे से लोकेशन मांग रहा है कि मुझे कहाँ सेव करना है। मैंने इसको लोकेशन दे दी डेस्कटॉप, क्योंकि मुझे इसे डेस्कटॉप पे सेव करना है। अब किस नाम से करना है, मैंने यहाँ पर नाम हटा के अपने नाम से मोहित लिख लिया और इसको सेव कर दिया। जैसे कि हम डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं इसको, यहाँ पे आपको इंडिकेट भी हो रहा है, देखिए मेरे नाम से मोहित जो हमने बनाया है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। और सेवेस क्या होता है, सेवेस होता है अब जैसे हमने कुछ भी काम किया इसके अंदर, और मैं अगर कंट्रोल प्लस एस करता हूँ या फाइल में जाके इसको सेव करता हूँ, तो क्या होगा, वो जो भी हमने काम किया आज का, वो सारा उसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। जैसे मेरा फाइल का नाम मोहित है, तो उसी फाइल के अंदर डेटा हमारा सेव हो जाएगा। सेवेस क्या होता है, सेवेस होता है आप चाहते हो कि भाई मैं जो मैंने आज काम किया वो उस फाइल में सेव ना हो, अलग से फाइल में सेव हो, तो हम उसको सेवेस करते हैं। या फिर हमारी एक शॉर्टकट की भी होती है जो आपको बता देता हूँ मैं, उसकी वो होती है हमारी F12। F12, या तो आप इसे F12 प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे और सेव एज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। देखिए फिर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई आपको कहाँ सेव करना है, जिस पीसी में करना है, लोकेशन लेनी है या ब्राउज करना है। मैंने ब्राउज कर लेते हैं, हमें ब्राउज करके चला गया। आप कहाँ सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ क्योंकि हमने पहली वाली फाइल भी डेस्कटॉप पे सेव की थी। देखिए यहाँ पर आपको मोहित नाम से एक फोल्डर, एक नाम और शो हो रही है फाइल, और यहाँ पर भी एक नाम शो हो रही है सेम नाम से। हमें कभी भी सेम नाम की फाइलें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक ही नाम की दो फाइलें बना ली तो क्या होगा, पहली वाली फाइल आपकी रिप्लेस हो जाएगी और नई फाइल रहेगी सिर्फ। इसलिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैंने इसका नाम मोहित सर के नाम से कर लिया, और देन इसको सेव कर देते हैं, देन एंटर कर लेते हैं। ये हमारी फाइल सेव हो गई। देखिए यहाँ पे आपको इसका नाम भी चेंज दिख रहा है, मोहित सर के नाम से आपका आ रहा है। अब इसे मिनिमाइज में जाके मिनिमाइज करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों फाइल हमारी शो हो रही है। ये डिफरेंस होता है सेव और सेवेस में। सेव होता है आपने कोई भी काम किया और तो उसी फाइल में सेव करना, तो हम सेव का यूज करेंगे, अदरवाइज आपको अलग से फाइल फॉर्मेट बनाना है,
और कहीं और लोकेशन पे किसी भी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए हम सेवेस्ट ऑप्शन को यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक पे भी चलते हैं। ये आपको आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसे ओपन कैसे करते हैं और सेव सेवेस में डिफरेंस क्या होता है। सो गाइस आज आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ इतना ही रखते हैं। एंड आप आई होप आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी वर्डपैड की वो आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन सारी वीडियोस को आप जाके देखिए। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है, आई रिपीट अगेन, अगर आपको उस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी कमांड आपको समझ नहीं आ रही है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं। आई गारंटीड कि हम एक दिन के अंदर अंदर उसका आपको सॉल्यूशन वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द नोबल टेक एजुकेशन एंड आई होप यू लाइक इट।